दोस्तों, अगर आपको भी भारत की रोमांचक जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हमें ये बताना बिल्कुल ना भूलें कि आप रोहित शर्मा की कप्तानी को बेहतर पसंद करते हैं या फिर विराट कोहली की। जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे और निर्णायक मुकाबले में मैच अंतिम ओवर तक पहुंच गया और रोमांचक मुकाबला हो गया। लेकिन इस मैच में अंतिम ओवरों में कप्तान विराट कोहली ने कप्तानी रोहित शर्मा को सौंप दी। जी हाँ, जब दो ओवरों में 19 रन की दरकरार थी इंग्लैंड को और सैम करन शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे तो लग रहा था कि भारत अब इस मैच को हार जाएगा। लेकिन सैम करन जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो कप्तान कोहली ने नटराजन को गेंद के लिए बुलाया, लेकिन तभी मैदान में कप्तानी करने लगे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को बीच मैदान में गेंदबाजी के लिए बुलाया और कोहली से कहा कि नटराजन को अंतिम ओवर के लिए रोक के रखिए। और फिर हार्दिक पांड्या ने वो 19वां ओवर रखा। हार्दिक पांड्या के इस ओवर में दो कैच छूटे और महज 4 रन ही हार्दिक पांड्या ने दिए। हार्दिक पांड्या की इस शानदार गेंदबाजी के पीछे कहीं ना कहीं रोहित शर्मा का हाथ था, क्योंकि रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या की अंतिम ओवरों की काबिलियत को जानते थे और मुंबई इंडियंस को जैसे उन्होंने चैंपियन बनाया उसी तरीके से आज हार्दिक पांड्या को उन्होंने अंतिम ओवर देकर भारत को भी शानदार जीत दिला दी। जी हाँ, अंतिम ओवरों में रोहित शर्मा ने ना सिर्फ फील्डिंग सेट की बल्कि उन्होंने भारत को जीत भी दिला दी और हार्दिक पांड्या को जो गेंदबाजी कराई वो लाजवाब थी। इस बात का हार्दिक पांड्या ने खुलासा किया कि अंतिम ओवर उन्होंने को जो दिया गया वो रोहित शर्मा की ही सोच थी। रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को ओवर दिलाया और नटराजन को अंतिम ओवर के लिए रोक रखा। अंतिम ओवर में जीत के लिए 14 रन की दरकार थी और नटराजन ने उस ओवर में शानदार गेंदबाजी कर भारत को जीत दिला दी। लेकिन सबसे अहम रहा 19वां ओवर, जिसमें हार्दिक पांड्या ने महज 4 रन दिए। वो तो 4 रन उनकी गेंदों पर कैच छूटने की वजह से गए, नहीं तो मैच तो हार्दिक पांड्या ने 19वें ओवर में ही जिता दिया था। अगर आपको भी भारत की जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप रोहित शर्मा की कप्तानी के फैन हैं या फिर विराट कोहली की। हमें आपका जो फेवरेट कप्तान है उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप रोहित शर्मा के फैन हैं तो कमेंट बॉक्स में रोहित लिखें, अगर आप विराट कोहली की कप्तानी के फैन हैं तो कमेंट बॉक्स में कोहली लिखें।